देखो वैसे तो इंसान 20 से 22 लाख रुपए में पूरी दमदार गाड़ी लेना पसंद करता है, जैसे हैरियर हो गई, स्कॉर्पियो एन हो गई, और कुछ लोग भाई ये अपनी एमजी की हेक्टर भी ले लेते हैं। लेकिन एक लीग ऐसी है जो कि लोगों को क्रेटा गाड़ी इतनी पसंद है भाई, लेकिन क्रेटा थोड़ी सी छोटी लगती है, उस हिसाब से लोग भाई एक हुंडई की नई गाड़ी जो आती है ना, वो आती है अल्काज़ार, जो अभी 2024 में जिसका फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे कि गाड़ी कब आएगी, कितने की आएगी, क्या क्या फीचर्स है, सारी बात इस वीडियो में करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात, छोटी सी बात कहूंगा भाई, आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जी हाँ, 2024 हुंडई की अल्काज़ार लॉन्च होने वाली है। जो क्रेटा ओनर है भाई वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो क्रेटा ओनर या हुंडई ओनर की एक खास बात है, वो भाई हुंडई से इतना जुड़ाव हो जाता है लोगों को कि भाई वो स्विच नहीं करते किसी कंपनी में। क्यों? क्योंकि भाई एक तो रिलायबल चीज़ मिलती है, और हुंडई में एक सबसे बढ़िया चीज़ सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहता है, कि कैमरे वैमरे लगे होते हैं, पूरा आप देखते रहते हो अपनी गाड़ी को क्या चल रहा है क्या नहीं, ओवरऑल सर्विस जो एक्सपीरियंस है ज़्यादातर लोगों का वो बढ़िया रहता है, कुछ उसका ख़राब भी रहता है, वो हम टाइम टू टाइम यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हैं। खैर हम आज बात करेंगे हुंडई की अल्काज़ार के बारे में। तो भाई काफ़ी एलिगेंट लुक गाड़ी के होने वाले हैं, आप फ्रंट से देखोगे पूरी जो हैवी बल्की लुक है ना वो गाड़ी की आएगी, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये क्रेटा है, क्रेटा को ही थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, बिल्कुल अलग सेगमेंट की गाड़ी बना रखी है, थोड़ी सी उससे बड़ी कर रखी है, ज़्यादा हम इसको इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि प्राइस रेंज के हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ी नहीं, जैसे स्कॉर्पियो एन हो गई इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, क्रेटा से थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, लेकिन इसमें फीचर्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, रिलायबिलिटी मिल जाती है। सामने आप देखोगे DRL काफ़ी बढ़िया शेप में मिलेगी, ग्रिल बिल्कुल चेंज है, और हुंडई का लोगो भी भाई अब की बार पूरा ऐसे बिल्कुल सेट कर रखा है, जो कि आपको क्रेटा एन लाइन में भी बीच में ग्रिल के अंदर मिलता है, इन्होंने ऊपर वाले पैनल पर सेट कर दिया। आजकल नई गाड़ी का ट्रेंड चला हुआ है फोग लैंप खत्म करते जा रहे हैं, हेडलाइट ही नीचे कर दी ताकि फोग लैंप की ज़्यादा जरूरत ना पड़े, लेकिन वो भाई जरूरत पड़ती है, फोग लैंप बिना बात नहीं बनती। अगर गाड़ी के बैक से बात करोगे तो कनेक्टेड DRL दे रखी है, अल्काज़ार की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा, डुअल टिप टूल एग्जॉस्ट टिप मिलती है, वो भी एक R18 टायर मिलता है डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ, और साइड में आप ऊपर देखोगे तो आपको रूफ रेल मिल जाएंगी। रूफ रेल का डिज़ाइन यार वैसे पुराना सा दे दिया, जो थोड़ी सी आजकल नई रूफ रेल आ रही है वो देते तो शायद बढ़िया लगती, पर चलिए अपनी अपनी पसंद है। स्किट प्लेट भी आपको इसमें मिल जाएगी, और एक्स्ट्रा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और जो प्रीमियमनेस है ना वो झलकती है भाई इस गाड़ी के इंटीरियर से, गाड़ी में बैठोगे तो आपको एक अलग ही फील आएगी इंटीरियर की, थोड़ा थोड़ा सा आपको क्रेटा जैसा दिखेगा, जो नई वाली एनलाइन क्रेटा है वैसा, लेकिन उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड दे दिया काफ़ी चीज़ें इसमें। जो डिस्प्ले वगैरह है वो तो सेम सी है, 10.25 इंच की जो डिस्प्ले आती है, बाकी साइड में AC वेंट वगैरह वो थोड़े से अलग कर दिए, स्टेयरिंग भी सेम सा ही है, स्टेयरिंग में ज़्यादा बदलाव नहीं है। नीचे आप अगर देखोगे गियर लीवर की तरफ, वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको डीजल में भी पेट्रोल में दोनों में मिलता है इसमें, और वहाँ भी जो सेंटर कंसोल की लुक है वो भी काफ़ी मायने लगती है। देखिए आजकल गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगी है सेंटर कंसोल में, जैसे आपने टाटा की गाड़ियों में देखा, टाटा ने स्टार्ट करा था जो सेंटर कंसोल कितना बढ़िया तगड़ा भाई यूज़ करना, और हुंडई भी देती है और महिंद्रा भी देती है, क्योंकि सेंटर कंसोल जितना बड़ा होगा उतनी गाड़ी का इंटीरियर भाई काफ़ी तगड़ा दिखता है, फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं, जिसमें वायरलेस चार्जर मिल जाता है, टाइप सी के दो पोर्ट मिल जाते हैं फास्ट चार्जिंग के लिए, और एक मैग्नेटिक पैड मिल जाता है जो कि कुछ कम ही काम आएगा, हो सकता है किसी के काम आ जाए किसी के काम ना आए, बाकी पीछे कैप्टन सीट आपको मिलती है, पीछे सीट के पीछे आप लैपटॉप वैपटॉप रखने का जो भी अपना हिसाब किताब है वो देख सकते हो, तो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो दे रखी है, ज़्यादा कुछ इतना खास नहीं मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट इसमें मिलती है, और सबसे बढ़िया बात है पीछे वाली जो सीट है, जो कैप्टन सीट है पीछे वाली, उनमें भी आपको वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलेगी भाई, ये सबसे बढ़िया है और ये प्रीमियम फीचर में कंसीडर किया जा सकता है, और 8-way पावर एडजस्टेबल सीट इसमें आपको मिल जाती हैं, बाकी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फीचर इसमें नहीं है। पैनोरमिक सनरूफ भी आता है, वो आजकल भाई आम हो चुका है, वो तो जैसे महिंद्रा थार रोक्स में उन्होंने तो भाई कमाल ही कर दिया, इतना बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दे दिया, क्योंकि देखिए वैसे तो ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं सनरूफ का
वो ऐसे ही करते जैसे पहाड़ों में चले गए कहीं, उसमें से बाइक खोल के बाहर निकल गए, फोटोग्राफी वगैरह कर ली, चलती गाड़ी में नहीं करना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, खड़ी में कर रहे हैं भाई, बढ़िया चीज़ है, सनरूफ बढ़िया काम की चीज़ है। अच्छा कई लोगों को भाई सनरूफ पसंद ही नहीं आता, क्यों क्या करेंगे यार, और गर्मी ज़्यादा रहती है क्योंकि अपना नॉर्थ साइड में इंडिया में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो लोग सोचते हैं कि क्या करेंगे, सनरूफ इतना खास का फीचर नहीं है। लेकिन भाई महिंद्रा थार रॉक्स में इतना बड़ा सनरूफ दे दिया, दो बंदे साथ में इकट्ठे बाहर निकल जाएंगे और भाई काफ़ी मजे वाली चीज़ है। तो इसमें भी भाई पैनोरमिक सनरूफ दे रखा है। हाँ इतना खैर इतना बड़ा वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी पैनोरमिक सनरूफ है। और तो इंजन में भी आपको 1.5 डीजल और 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जिसमें भाई जो डीजल इंजन है वो आपका 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 115 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। और वहीं अगर पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन की अगर बात करोगे तो 160 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 253 Nm का टॉर्क भाई प्रोड्यूस करता है वो इंजन। बाकी इंजन तो ठीक है गाड़ी के, अगर पोस्टर के हिसाब से देखो तो 1500 cc का इंजन काफ़ी ठीक रहता है। कई गाड़ियों में ऊपर नीचे इंजन हो जाता है, जैसे MG की जो हेक्टर है उसमें भाई 2 टन की गाड़ी है और 1500 cc का इंजन, इतना मतलब अंडर पावर फील होता है कि मतलब क्यों गाड़ी ज़्यादा हैवी हो गई, इंजन ज़्यादा मतलब इंजन तो रिफाइन है बढ़िया रहता है लेकिन थोड़ा सा अंडर पावर भाई यूज फील होता ही है क्योंकि गाड़ी का वेट ज़्यादा है। इस गाड़ी का वेट ज़्यादा नहीं है, 1500 किलो के करीब की गाड़ी है भाई। इस रेंज की बात करोगे तो 17 लाख से भाई स्टार्ट हो जाती है, 17 लाख से लेकर 22 लाख तक इसका टॉप मॉडल जाता है। अब मेन चीज ये आ जाती है कि भाई 22 लाख रुपए का टॉप मॉडल आपको कम से कम 24 या 25 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ेगा। 24 और 25 लाख रुपए में भाई क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आपको थार रॉक्स का टॉप मॉडल मिल जाएगा 4x4 में, जो फुल फ्लैग मॉडल आएगा वो मिल जाएगा। आपको स्कॉर्पियो N का टॉप मॉडल मिल जाएगा, उससे थोड़ा सा नीचे वाला मॉडल मिल जाएगा। आपको हेक्टर का भी मिल जाएगा भाई, काफ़ी ऊंचा मॉडल CVT वगैरह में, और बहुत सारा मतलब कंपटीशन इतना तगड़ा है इस रेंज में कि भाई स्टैंड कर पाना इसके लिए ना कर पाना, क्योंकि पहले भी अगर रिकॉर्ड हम देखें तो हुंडई अल्काज़ार का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं बिकी, लेकिन फिर भी भाई हुंडई ने हिम्मत नहीं छोड़ी है, 2024 में अपना फेसलिफ्ट लॉन्च कर रही है। तो देखिए चलते हैं भाई, देखते हैं इसकी कैसी उम्मीद रहती है, कैसी क्या बुकिंग रहती है। बाकी आज की वीडियो में भाई इतना ही था, अगर वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए भाई, आपको वीडियो अच्छी लगी या ना अच्छी लगी तो भाई कमेंट जरूर करिए, उससे थोड़ा हमें हौसला मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मजे करो।